जय भीम नमो बुद्धाय। और आज हम अपनी कराटे एकेडमी नेहा फिटनेस ट्रेनर जो अशोक विहार फेज 3 में स्थित है वहाँ के सारे बच्चों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल जो अलीपुर रोड में है बच्चों के साथ आए हुए हैं इसको विजिट करने, इसको देखने। और यहाँ पर बाबा साहब का परिनिर्माण दिवस मनाया जाता है। बाबा साहब की अंतिम जो यात्रा थी वो यहीं से निकाली गई। बाबा साहब यहीं पर अंतिम समय यहीं पर रहते थे। ये उन्हीं का मकान है जिसे इस तरह से हमारी सरकार ने बना दिया गया है। यह अशोक स्तंभ बना है, ये बहुत अच्छा है। अब हम इसे अंदर से विजिट करेंगे, अंदर कैसा है और फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। ये जो आप पीछे बाबा साहब का स्टैचू देख रहे हैं ये रोबोट के तरीके से बनाया गया है, जिसमें बाबा साहब संविधान सभा में जो भाषण दे रहे थे बिल्कुल हूबहू उसी भाषण को बाबा साहब यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वाकई में बाबा साहब को सुन रहे हैं और उनके भाषण को सुन रहे हैं। बहुत अच्छा स्टैचू है। भीमराव अंबेडकर जी की कोठी हुआ करती थी जिसे डेमोलाइज करके ये मेमोरियल बनाया गया। बाबा साहब जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब जी को कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। बाबा साहब जी ने यहाँ पे अपनी आखिरी सांसें ली थी और जब ये डेमोलाइज करके मेमोरियल बनाया गया तो 2016 में 21 मार्च 2000 बच्चे अंदर बैठे तो आप अंदर नहीं बैठ सकते, आपको गेट के बाहर बैठना पड़ेगा। और बाबा साहब जी गेट के बाहर बैठ के पढ़ाई किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके टीचर आए, उन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया सभी बच्चों से, तो कोई भी बच्चा जो अंदर कक्षा में बच्चे बैठे थे कोई भी आंसर नहीं दे पाए थे। और बाबा साहब जी बाहर बैठ के भी इतना कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते थे तो वो एकदम ग्रेट आंसर देते थे। बाबा साहब जी का बचपन, बाबा साहब जी की शादी से पहले बाबा साहब जी ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में बाबा साहब जी सब कंपनीज में, मिलों में, फैक्ट्रियों में गए और सब लेबरों से, वर्करों से बातचीत करी। और बातचीत करके उन्हें पता चला कि वहाँ पे उन लोगों से 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम कराया जाता है। तो बाबा साहब जी जब लेबर एक्ट लेके आए तो लेबर एक्ट में उन्होंने 8 घंटे का वर्किंग आवर का कॉन्सेप्ट दिया कि तब अब से 8 घंटे ही काम किया करें। तो तब से लेके अभी तक हर कंपनी, हर फैक्ट्री, मिलों वगैरह में 8 घंटे ही काम कराया जाता है। अगर उससे ज़्यादा कोई काम कराता है तो उसको ओवर टाइम मिलेगा।
If we wish to maintain democracy, not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing, in my judgment, we must do is to hold fast to constitution.